प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चर्चा करेंगे निर्धनता, गरीबी के बारे में। गरीबी क्या है और किस स्तर पर फैली हुई? प्रिय विद्यार्थियों, गरीबी न केवल भारत की बल्कि एक विश्वव्यापी समस्या है, अर्थात पूरी दुनिया में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गरीबी और गरीब का अस्तित्व है। न केवल व्यक्तियों के स्तर पर बल्कि राष्ट्रों के स्तर पर भी गरीबी के आधार पर वर्गीकरण है। जब हम बात करते हैं कि गरीबी क्या है, तो पहला हमारा जो परिप्रेक्ष्य है गरीबी का, वो है आर्थिक परिप्रेक्ष्य। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में दो बातें की जाती हैं। पहला, एक न्यूनतम आय की प्राप्ति नहीं हो, अर्थात एक व्यक्ति को अपना जीवन व्यापन करने के लिए जितनी आय चाहिए वो आय उसको प्राप्त नहीं हो रही है, और उस आय की प्राप्ति नहीं होने के कारण व्यक्ति गरीब है। भारत सरकार में योजना आयोग ने समय समय पर इस संबंध में अपने मत व्यक्त किया है। इसे कैलोरी आधार से भी जोड़ा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन भोजन जो व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता उसे हमने गरीब माना है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ही दूसरा दृष्टिकोण है जीवन स्तर का आधार पर, अर्थात एक व्यक्ति की आय इतनी कम है कि वह न्यूनतम जो जीवन स्तर होना चाहिए उसको भी नहीं प्राप्त करता। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भोजन, आवास का जो न्यूनतम स्तर है वो न्यूनतम स्तर भी नहीं प्राप्त कर पाता है, तो ऐसे स्थिति में हमने उसको गरीब के रूप में शामिल किया गया है। दूसरी और जब हम बात करते हैं, क्योंकि अधिकांश गरीबी की जो बातें की गई वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य में की गई, लेकिन जब हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में गरीबी की बात करते हैं तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में गरीबी का जो आधार है वो सापेक्षिक वंचना, असमानता के संदर्भ में की जाती, अर्थात समाज के जो प्रचलित मान्यताएं हैं, मानदंड हैं, जो कि जीवन स्तर से जुड़े हुए हैं, एक व्यक्ति उन न्यूनतम जीवन स्तर के मानदंडों से वंचित होता है तो ऐसी स्थिति में हम उसको गरीब की श्रेणी में शामिल करते हैं। मिलर और जो रोबी हैं, उन्होंने कहा है कि निर्धनता एक प्रकार की असमानता है जो निर्धनों की जीवन स्तर, जीवन दशा और उनकी जीवित रहने की जो संभावनाएं हैं उन पर आय की असमानता के पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करती, अर्थात आय की जो असमानता है वो व्यक्ति के जीवन स्तर से जुड़ी हुई है और उस आय की असमानता के कारण उस व्यक्ति को वह जीवन स्तर नहीं मिल पाता। दूसरी ओर वंचन के आधार पर परिभाषित करते हुए माइकल हैरिंगटन लिखते हैं, निर्धनता स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, मनोरंजन के उन न्यूनतम स्तरों का वंचन है जो एक व्यक्ति विशेष को विद्यमान समाज के विश्वासु मूल्यों और प्रौद्योगिकियों के अनुसार मिलना चाहिए। अर्थात समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में गरीबी को सापेक्षिक वंचना के रूप में स्वीकार किए, एक व्यक्ति को जो मिलना चाहिए यदि वो नहीं मिल पाता है तो उसे हम गरीबी के रूप में शामिल करते हैं। निर्धनता का जो मापन है या गरीबी का जो मापन है किस आधार पर हम मापे, तो विद्यार्थियों गरीबी का जो मापन है वो तीन आधारों पर किया गया है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के आधार पर, दूसरा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, और तीसरा प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च, अर्थात एक व्यक्ति अपने उपभोग पर कितना खर्च करता है, इस आधार पर गरीबी का मापन किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने गरीबी का समाजशास्त्र और आर्थिक परिप्रेक्ष्य जाना, इसका मापन जाना। मैं समझता हूँ कि आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।